हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगी एमनियोटिक फ्लूइड के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, यानी लिकर एमनाई के बारे में। सो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस होता है ये एमनियोटिक सैक के अंदर लाई डाउन होता है और इस एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसमें कि फीटस फ्लोट करता है। सो ये जो एमनियोटिक सैक होता है ये टू फीटल मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। अंदर की जो लाइनिंग है वो एमनियन से कवर्ड होती है और एमनियन के बाहर की ओर जो लाइनिंग है वो कोरियोन से कवर्ड होती है। सो एमनियोटिक फ्लूइड के सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये एल्कलाइन इन नेचर होती है और इसकी जो ऑस्मोलैलिटी है यानी इस फ्लूइड के अंदर जो डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो ऑस्मोलैलिटी है वो मदर की प्लाज्मा और फीटल प्लाज्मा के कंपैरिजन में क्या होती है, कम होती है, यानी इसमें जो फ्लूइड पार्ट है वो ज़्यादा होता है। ओके, सो ये जो ऑस्मोलैलिटी है ये 260 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है और उसके कंपैरिजन में जो मदर और फीटस की प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी 280 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। मेनली जो ये एमनियोटिक फ्लूइड है ये 98 से लेके 99% तक वाटर से मिलके बना होता है और ओनली 1% ही इसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूट्स पार्टिकल होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जो फीटल डेड सेल्स होती हैं, लैन्यूगो यानी जो फीटस की बॉडी पे जो छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उसे लैन्यूगो कहते हैं, उसके पार्ट्स हो सकते हैं या फिर वर्निक्स कैसुसा हो सकता है, यानी जो वाइट चीजी सब्सटेंस होता है जो कि फीटस की बॉडी को कवर करता है, इसके कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं। सो ये सारे पार्टिकल मिला के और कुछ हार्मोन्स मिला के ओनली 1% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। मेजरली क्या होता है, पानी होता है 99%। और ये फ्लूइड हर 3 घंटे के अंदर क्या होता है, रिप्लेस और रिसाइकल्ड होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम सोर्सेस की बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो जो ज़्यादातर अमाउंट जहाँ से कंट्रीब्यूट होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रेगनेंसी के सबसे पहले वाली जो अवस्था होती है यानी जो सबसे पहला जो दौर होता है उसमें मैटरनल प्लाज्मा से फिल्ट्रेशन के जरिए ही एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, यानी ट्रांसड्यूसेशन ऑफ मैटरनल प्लाज्मा, यानी कि जो मैटरनल प्लाज्मा होता है वहीं से ही फ्लूइड फिल्टर आउट होता है और फीटल मेम्ब्रेन के जरिए वहाँ से ट्रांसफ़र होता है और कैविटी के अंदर एंटर करता है और फ्लूइड पार्ट बनाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के 12 से लेके 20 वीक के अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है वो फीटल स्किन होती है, यानी ट्रांसड्यूसेशन अक्रॉस द फीटल स्किन, क्योंकि फीटल वेसल्स भी क्या होती है कि ईजिली प्लाज्मा को फिल्टर आउट करती है जो कि अगेन वाया द फीटल मेम्ब्रेन प्लासेंटा के सरफेस से होते हुए कहाँ पे एंटर करता है, एमनियोटिक कैविटी के अंदर। ओके, सो देयर इज अ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अक्रॉस द फीटल स्किन और स्किन के जरिए इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फीटल स्किन केराटिनाइज नहीं हुई है, क्योंकि केराटिनाइजेशन 22 से लेके 25 वीक के अंदर होता है और उसके पहले तक यूजुअली फीटस की स्किन के जरिए भी फ्लूइड पार्ट ईजिली एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर फॉर्म होता है, ओके, प्रोड्यूस होता है। लेकिन जैसे ही स्किन केराटिनाइज हो जाती है उसके बाद मेजर सोर्स जो होता है अब ये शिफ्ट हो जाता है और यूरिन प्रोडक्शन जो है फीटस का वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर। बिकॉज हम जानते हैं कि जो फीटस है वो 12 वीक से यूरिन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन 12 वीक के बाद तुरंत ही वो मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं बनता है बल्कि 18 वीक से फीटस का जो यूरिन है वो ज़्यादातर अमाउंट को कंट्रीब्यूट करने लगता है। सो 18 वीक के बाद में जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मेजर जो अमाउंट बनता है वो फीटस के यूरिन से फॉर्म होता है। सो दीज आर द मेजर सोर्स। नाउ इस एमनियोटिक फ्लूइड का रेगुलेशन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और कुछ रिप्लेस करते जाते हैं, रीअब्सॉर्ब करते जाते हैं। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे जो कि एमनियोटिक फ्लूइड प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं। सो सबसे 2 इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर हैं नियर टर्म जो कि फ्लूइड को कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को, वो क्या है, पहला है फीटस का यूरिन जो कि
नियर टर्म 650 से लेके 1000 ml तक कंट्रीब्यूट करता है। और दूसरा जो मेजर कंट्रीब्यूटर है जो कि इस अमाउंट को बढ़ाता है वो है फीटस की लंग्स से निकला हुआ सिक्रेशन जो कि 350 ml पर डे कंट्रीब्यूट करता है। ओके बट उसी के साथ में इतना अमाउंट कंट्रीब्यूशन के साथ में कुछ अमाउंट क्या होता रहता है, रिप्लेस्ड होता रहता है, रिसाइकल होता रहता है, रीअब्सॉर्ब्ड होता है। सो रीअब्सॉर्ब्ड करने के लिए जो मेनली टू रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो होता है वो फर्स्ट है फीटल स्वालोइंग, यानी फीटस भी एमनियोटिक फ्लूइड को स्वालो करता है। और जबकि ये जो स्वालोइंग है ये 10 से 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन नियर टर्म तक पहुँचते हुए ये जो अमाउंट है ये 500 से लेके 1000 ml तक हो जाता है डेली, इतना अमाउंट फीटस डेली स्वालो करता है। और उसी के साथ में जो दूसरा रीअब्सॉर्बिंग प्रोसेस जो होता है उसे कहते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस फ्लो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एमनियोटिक फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी होती है वो कम होती है मदर और फीटस की प्लाज्मा के कंपैरिजन में। तो जब ऑस्मोलैरिटी कम है यानी इसमें जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स कम है उसके कंपैरिजन में वाटर अमाउंट ज़्यादा है, तो क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो फीटल मेम्ब्रेन जो है एमनियन एंड कोरियन उसके अक्रॉस ट्रांसफर होता है और कहाँ पे एंटर करता है, फीटल सर्कुलेशन में, फीटल वेसल्स के अंदर एंटर करता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो वाटर कंपोजिशन है वो मूव करता है वाया द फीटल मेम्ब्रेन एंड एंटर इन द फीटल सर्कुलेशन, जिसे बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेनस फ्लो। और ये भी 400 ml पर डे रीअब्सॉर्ब्ड होता है नियर टर्म। ओके सो दीज आर दी फोर रेगुलेटरी प्रोसेस जिसमें दो जो हैं वो मेजरली कंपोजिशन में हेल्प करते हैं और दो मेनली जो है फैक्टर वो रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। इस तरीके से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो रेगुलेट होता रहता है, रिसाइकल्ड और रिप्लेस होता है इन एवरी 3 आवर। नाउ अगर हम इसके अमाउंट की बात करें तो अमाउंट जो है ये डिपेंड करता है कितने वीक की प्रेगनेंसी है। लाइक 12 वीक के अंदर 50 ml एमनियोटिक फ्लूइड होता है और 16 वीक तक पहुंचते हुए इसका अमाउंट 200 ml हो जाता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी मिड थर्ड ट्रेमेस्टर तक पहुंचती है तो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम उसके पीक पे होता है, यानी 1000 ml तक इसका अमाउंट हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का। लेकिन टर्म तक पहुंचते हुए ये अमाउंट और ज़्यादा बढ़ता नहीं है बल्कि और क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। यानी 40 वीक ऑफ जेस्टेशन तक पहुंचते हुए ये अमाउंट 800 ml ही रह जाता है, लेकिन पोस्ट मेच्योरिटी के अंदर ये एमनियोटिक फ्लूइड अमाउंट जो है वो बहुत तेज़ी से कम होने लगता है। यानी जब 42 वीक की प्रेगनेंसी रह जाती है तब अमाउंट सिर्फ 200 ml ही रह जाता है। नाउ एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा होता है, अगर प्री टर्म प्रेगनेंसी की बात करें यानी 40 वीक से पहले की अगर जो प्रेगनेंसी है उसमें ये कलरलेस होता है, लेकिन टर्म तक पहुंचते हुए जब ये कई डेड सेल से मिक्स हो जाता है और वर्निक्स कैसोसा लानिगो इन सबसे जब मिक्स हो जाता है तो इट बिकम स्ट्रॉ कलर्ड और ये टर्बिड धुंधला हो जाता है बिकॉज ऑफ मिक्सिंग विद दीज ऑल सॉल्यूट्स। ओके लेकिन कुछ कलर वेरिएशंस होते हैं अगर इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर तो ये सर्टन रिस्क फैक्टर की ओर हमें इंडिकेट करते हैं। लाइक अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क रेड कलर हो गया है, डार्किश है, तो ये इंडिकेट करता है कि एंटीपार्टम हेमरेज यानी अब्रप्शो प्लासेंटा होने के इसमें चांसेस हैं या फिर अब्रप्शो प्लासेंटा हो गया है। बिकॉज अगर प्लासेंटा प्री मेच्योरली सेपरेट हो गया है तो वहाँ से ब्लीडिंग वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाएगी एंड वहाँ से ब्लड जो है वो लीक आउट होगा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर और इस फ्लूइड का कलर जो है वो रेड कलर का दिखाई देगा। लेकिन अगर इसका कलर टोबैको जूस यानी ब्राउनिश और ब्लैकिश अपीयरेंस हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि इंट्रा यूट्राइन डेथ हो चुकी है फीटस की, क्योंकि जो आरबीसीज हैं वो क्या हो चुकी हैं, डेड। और ओल्ड आरबीसीज के कारण ये जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ओल्ड आरबीसीज एंटर करती है उसके कारण इसका अपीयरेंस ब्राउन और ब्लैकिश इन अपीयरेंस होने लगेगा, यानी टोबैको जूस अपीयरेंस दिखाई देगा। लेकिन अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन है तो ये इंडिकेट करता है कि देर इज़ अ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि जब आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो फीटस की आरबीसीज क्या होने लगती है, ब्रेक डाउन। और जब आरबीसीज ब्रेक होती है तो ये क्या फॉर्म करती है, बिलिरुबिन,
और जब ये बिलिरुबिन एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एंटर करेगा तो ये कैसा अपीयर होगा? गोल्डन इन कलर. ओके, बट अगर इसका कलर ग्रीनिश है तो ये इंडिकेट करता है कि फीटस ने मेकोनियम पास कर दिया है. मेकोनियम जो कि फीटस का क्या होता है, पहला स्टूल, नॉट फीटस, इट इज़ द इन्फेंट स्टूल, बिकॉज यूजुअली मेकोनियम जो है वो डिलीवरी के बाद ही पास होता है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टूल जो कि बेबी पास करता है. लेकिन अगर ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर ही पास कर दे तो ये एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश कर देता है बिकॉज ऑफ एनी ट्रांजिएंट हाइपोक्सिया. और अगर ये मेकोनियम पास हो जाता है तो इसके कारण एक रिस्क फैक्टर ये हो सकता है कि ये मेकोनियम फीटस के जरिए एस्पिरेट किया जा सकता है एंड ये फाइनली फीटस के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज कर सकता है. लेकिन अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर सेफ्रॉन कलर हो गया है, ग्रीनिश येल्लो है, तो ये पोस्ट मेच्योरिटी को इंडिकेट करता है, यानी जो प्रेगनेंसी है वो 42 वीक्स और उसके भी बियॉन्ड जा चुकी है. सो सेफ्रॉन कलर इंडिकेट करता है पोस्ट मेच्योरिटी. तो इस तरीके से ये सारे कलर वेरिएशन है जिसके बेसिस पे हम कई रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान ये फ्लूइड फीटस को प्रोटेक्ट करके रखता है, कई शॉक से उसको प्रिवेंट करता है, कई ट्रॉमा से उसको बचाता है, और इस कैविटी के अंदर टेम्परेचर को भी इक्वलाइज करता है चाहे बाहर का वेदर कैसा भी हो. एज वेल एज प्रेगनेंसी के दौरान जब तक ये मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को ये यूट्राइन कैविटी में एंटर नहीं करने देता है, और उसी के साथ में ये फीटस को एक फिजिकल स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि फीटस का ग्रोथ हो सके, फिजिकल ग्रोथ हो सके, साइज इंक्रीज हो सके, एज वेल एज फीटस इजिली क्या कर सके, मूव कर सके इन द यूट्राइन कैविटी. यस, एंड उसी के साथ में लेबर के दौरान भी जो इस फ्लूइड पार्ट से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ये भी सर्वाइकल डायलिटेशन में हेल्प करता है जिससे लेबर प्रोग्रेस्ड होती है. और जब तक मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है तब तक कोई भी इन्फेक्शन यूट्राइन कैविटी में एंटर नहीं कर पाता है. बट कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, देन दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज सभी टाइप का जो नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन है, गैस एक्सचेंज है, जो भी है, वो सारी चीज़ें उसे प्लासेंटा से प्रोवाइड होती हैं. एमनियोटिक फ्लूइड किसी भी तरीके की न्यूट्रिटिव बेनिफिट फीटस को प्रोवाइड नहीं करता, बट रैदर इट प्रोटेक्ट्स द फीटस, प्रोवाइड सूदिंग कुशनिंग इफेक्ट फॉर द फीटस. ओके, नाउ इस एमनियोटिक फ्लूइड को मेजर कैसे किया जा सकता है? सो एग्जैक्टली इसकी क्वांटिटेटिव मेथड कर पाना मुश्किल होता है, बट देर आर सेमी क्वांटिटेटिव मेथड जो अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए पॉसिबल हो पाती है. सो इसमें टू टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए हम एमनियोटिक फ्लूइड की के वॉल्यूम को हम एस्टिमेट कर सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस वीक पे कितना फ्लूइड है और जो अप्रोप्रिएट है या नहीं फीटस के लिए. ओके, सो यहाँ पे हम नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें, सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो है AFI, दैट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स. और इस फ्लूइड इंडेक्स के अंदर अल्ट्रासाउंडोग्राफी के अंदर जो ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है उसे हम वुमेन के एब्डोमेन पे प्लेस करते हैं और होल यूट्रस को फोर क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, और हर एक क्वाड्रेंट का जो वर्टिकल पॉकेट होता है उसे हम मेजर करते हैं. सबसे लेंथी जो वर्टिकल पॉकेट है उसे मेजर करेंगे कि इसमें कितना एमनियोटिक फ्लूइड है, और चारों ही क्वाड्रेंट के एमनियोटिक फ्लूइड की जो वैल्यूज आती है उसे हम जोड़ देते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, और इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो है 5 to 25 सेंटीमीटर. दूसरा सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट जो होता है ये भी अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और ये है SDP, सिंगल डीपेस्ट पॉकेट, यानी एक ही वर्टिकल पॉकेट को हमें मेजर करना है, और अगर उसको मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू नॉर्मली 2 to 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए. ओके, यानी एक वर्टिकल पॉकेट के अंदर कितना एमनियोटिक फ्लूइड है, और जब इसको मेजर किया जाता है बाय अ वर्टिकल लाइन तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2 to 8 सेंटीमीटर. सो दीज आर द टू मेथड जिसके ज़रिए हम नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड अमाउंट का एस्टिमेशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे इस लेक्चर के ज़रिए हमने एमनियोटिक फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके सोर्सेस क्या होते हैं, रेगुलेशन कैसे होता है फ्लूइड का, देन अमाउंट कितना होता है अकॉर्डिंग टू वीक ऑफ जेस्टेशन, कलर वेरिएशंस क्या होते हैं, फंक्शन क्या है, और कैसे इसको मेजर कर सकते हैं, इसको समझा. थैंक यू.